हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल KBS स्वाद का तड़का में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम मेहनत और कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला क्रिस्पी कुरकुरे नाश्ते की रेसिपी। ब्रेड तो हम सभी के घर में मौजूद होती है और ब्रेड और आलू से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही कम समय में बन करके तैयार होता है और बच्चों को भी बेहद ही पसंद आता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे मैं कैसे बनाने वाली हूँ। और मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए है 4 ब्रेड के स्लाइसिस, 4 उबले हुए आलू, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। और यहाँ मैं ले लूँगी एक बड़ा बर्तन, इसे रख देते हैं साइड में और एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। इस बड़े बर्तन में जो है ब्रेड के स्लाइसेस हम रखेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को रख करके इसमें जो है हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी इसमें डालेंगे ताकि ब्रेड जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हमें करना है हाथों से अच्छे से मैश। इसे अच्छे से जो है हमें मैश कर देना है और ज़्यादा हमें इसे गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। यदि ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। देखिए हल्का सा पानी मैंने और लिया है और इसे मैं अच्छे से जो है मैश कर दूंगी। इसे मैंने अच्छे से जो है हाथों से मैश करके देखिए इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। ये ब्रेड का डो एक बन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आलू लिए थे उबले हुए, उसे मैंने कर लिया है कद्दूकस पे ग्रेट। ग्रेट करके के डालने से ये होता है कि इसमें आलू के जो है टुकड़े नहीं रहते हैं। वैसे आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं या मैशर से भी मैश कर सकते हैं आलू को। और इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, यदि आपके पास गाजर हो तो आप गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं इसमें, पनीर का भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। और नहीं तो आपके पास जो भी चीज़ है अवेलेबल हो आप उसी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले, यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से इसकी बाइंडिंग जो है अच्छे से हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा हमने कॉर्नफ्लावर का यूज किया है इसमें। वैसे तो ब्रेड से भी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है लेकिन कॉर्नफ्लावर से थोड़ा नाश्ता जो है हमारा कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा। आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। और इसे डाल करके हमें हाथों से जो है अच्छे से इसे मिक्स करना है, जैसे हमें आटा गूंथते हैं आटे का डो तैयार करते हैं उस तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है। देखिए यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसका डो जो है रेडी है, इसे हमें रखना नहीं है, तुरंत ही इसे हमें बनाना है। इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डाल के इसे थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। डो हमारा रेडी है और डो को रख देते हैं साइड में। और एक लेते हैं बड़ी सी थाली,
आप चाहे तो इसे चकले पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थाली पर बना रही हूँ। थाली को जो है मैंने उल्टा करके ले लिया है और इस पे जो है ये डो रख करके और हाथों से इसे पूरा जो है थाली पर मैं फैला दूँगी। इस तरीके से जो है देखिए हमें हाथों से दबाते हुए जो है इसे पूरा फैला देना है थाली पर, ना ही बिल्कुल हमें इसे पतला करना है और ना ही इसे मोटा रखना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमें किस साइज का इसे रखना है। अच्छे से जो है इसे पूरा हम थाली पर जो है फैला देंगे हाथों से इस तरीके से दबाते हुए। देखिए अभी थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा और फैला रही हूँ। हल्का हल्का इसे प्रेस करते हुए पूरा जो है थाली पर फैला दिया है मैंने। देखिए और फैलाने के बाद अब इसे हम कट करेंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, आप स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं इसे, मैं ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ इसे। देखिए इस तरीके से आपको काटना है इसे। बहुत ही इजीली बन जाता है ये नाश्ता, बच्चों को भी बेहद ही पसंद आता है ये। यदि एक बार आपने इसे बनाकर खा लिया तो आपके बच्चे भी जो हैं इसे जिद करके बार बार बनवाएंगे, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। आप मेहमानों के लिए भी इसे एज अ स्नैक्स सर्व कर सकते हैं और इसे आप बना करके फ्रिज में भी 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे काट लिया है और अब दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना इतना ही सिर्फ, ना ज़्यादा पतला मैंने काटा है ना ज़्यादा मोटा। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने, तो चलिए इसे कर लेते हैं फ्राई। ऑयल भी जो है गर्म हो गया है और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसे नहीं करना है हमें फ्राई। और आराम आराम से इसे डालेंगे। और इसे जो है मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक जो है दोनों साइड से हमें फ्राई करना है। जब ये हमारा एक साइड से हो जाएगा अच्छे से फ्राई, तब हम इसे पलट देंगे। देखिए इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई होने देते हैं और इसी तरीके से उल्टाते पलटाते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से जो है हमारे जो है गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं स्नैक्स हमारे रेडी हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और बाकी के भी हम इसी तरीके से जो है फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। ये लीजिए इसे मैंने निकाल लिया, इस तरीके से हमें निकाल लेना है इसे। इसे निकालने के बाद बाकी जो हमारे स्नैक्स बचे हुए हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से जो है फ्राई कर लेंगे। और जब हमारे सारे स्नैक्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें सर्व कर देंगे। और इन्हें भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो फ्राई होने देते हैं,
सभी स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए। हम यहाँ मैंने कर दिया है सर्व गर्मा गर्म स्नैक्स। मैंने यहाँ सॉस के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहें तो इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ही ये टेस्टी लगेंगे खाने में। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हमारा टेस्टी स्नैक्स बनकर रेडी है।